नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि गांधी सेतु पुल पर भीषण हादसा हो गया है। जी हां, इस हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना से ये खबर निकलकर सामने आई है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के महात्मा गांधी सेतु पुल के पिलर नंबर 43 के पास आज ये घटना घटी है। बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार प्रेग्नेंट महिला के साथ 3 साल की बच्ची को कुचल डाला। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही महिला और मासूम के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। महिला का सिर धड़ से अलग हो गया और बच्ची का शरीर छत बिछत हो गया। भीषण हादसे को जिसने भी देखा उसके गले में आवाज अटक गई। एक पल के लिए जैसे पुल पर जा रही गाड़ियों में सवार लोग ओह तक नहीं कर पाए। जो बच्चों के साथ थे उन्होंने उनका चेहरा ढक दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही आलमगंज थाने और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हादसे के कारण गांधी सेतु पुल पर भीषण जाम लग गया है। जी हां, ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, बाइक सवार पति की हालत गंभीर है। उसे इलाज के लिए हाजीपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। मृतक की पहचान वैशाली जिले के तेतरिया निवासी बबीता देवी के रूप में की गई है। जी हाँ, तो माँ और बेटी की जान चली गई भीषण सड़क हादसे में और पति की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप सिटी पोस्ट को देखते रहिए। धन्यवाद।